ये शुक्र है कि भाई आ गए थे, उनकी गाड़ी वो सामने जा रही है। क्यों नवाज भाई भी साथ में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुंच चुके हैं नवाज भाई जो हैं वो दरवाजा बजा रहे हैं। वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, एक दफा फिर वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम राबिया अहमद ब्लॉग पर। अभी जी घर से निकल पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जैसे मैंने कहा था कि बेगम को रेस्ट दे के फिर पहुंचाऊंगा, तो अभी हम तकरीबन घर से तकरीबन समझ लें हमने घर से ज्यादा 70-80 किलोमीटर किया होगा। और मैंने दवाई भी अपने साथ में रखी। हाँ, मैंने कहा यहाँ पर थोड़ी देर ये रेस्ट एरिया है, यहाँ पर थोड़ी देर रुक जाते हैं और थोड़ा सा बेगम साहब रेस्ट कर लेंगी, फिर उसके बाद अब जी देखते हैं कितने बजे हम वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि मैंने खाना जो है ना नहीं खाया था, तो अभी यहाँ पर बैठकर खाना खाऊंगा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे। आ जाओ जवाद, गाड़ी में से ठंडा पानी ले आओ। रास्ते में जी खरीदी थी बिरयानी, क्योंकि बच्चों ने घर पर भी खाया था, और फिर रास्ते में कहने लगे कि पापा हमें खाना चाहिए। माशाल्लाह जी, बेगम साहबा को चावल मना थे, इस वजह से उन्होंने घर से ही रोटी खाई थी और घर से ही पानी दे दो। वो भी कहाँ है तुम्हारी अम्मा? वॉशरूम में जी। और हादी अक्सा भी उधर ही है जी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा चुके और अभी कंटिन्यू करते हैं बिस्मिल्लाह करके अपना सफर। चले, रिलैक्स हो गई आप? हाँ जी। चले अभी? हाँ जी, जी, जी। चले माशाल्लाह, फिर जहाँ पर भी रुकना हो बता देना। मेडिसिन ले ली मैंने दोपहर की। अच्छा किया, और जहाँ पर भी रुकना हो, जहाँ पर दिल करे फिर मुझे बता देना, फिर रुक जाएंगे। ठीक है, अभी चले। वही एक घंटा लेट पहुँच जाएंगे, लेकिन रिलैक्स हो के आराम आराम से। जी जी बिल्कुल। चले बिस्मिल्लाह करें, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया। चलो बच्चों, चलो चलो शाबाश। अब जी देखते हैं रात को हम कितने बजे पहुँचते हैं, आपके साथ इंशाल्लाह फिर अपडेट करेंगे। सूरज गुरूब होने के करीब है, तकरीबन एक डेढ़ घंटा ड्राइव करने के बाद मैंने कहा कि फिर बेगम साहब को थोड़ा सा रेस्ट दे दें। हमारी मिस्त्रियों की छुट्टी हो गई, 6 बज गए हैं, 5:30 बजे छुट्टी कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, बेगम साहब थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगी, फिर आगे अपने सफर को कंटिन्यू। असल में हम लोग निकले भी लेट है ना, तकरीबन 3-4 बजे तो निकले, 3 बजे 3:30 बजे निकले। 4 बजे हम मोटरवे पे चढ़े। हाँ जी, तो जल्दी से जाओ वॉशरूम से होकर जाओ, मैं थोड़ा सा गाड़ी को भी पानी बदल दूँ। हाँ जल्दी से आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बेगम साहबा फ्रेश हो गई और हम फिर से अपने सफर पे रवा दवा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है कि मोटरवे से उतर चुके हैं, और अभी जो है ना तकरीबन 7 किलोमीटर जो है ना हमें इस रोड पे जाना है अभी आगे कंटिन्यू। इंटरचेंज से उतरे हुए यकीन माने कि हमें पूरा एक घंटा हो गया है। ये झंग रोड है, पता नहीं कौन सा रोड है, कि यकीन करें कि बंदा ना इस रोड पे गाड़ी लेके आना, समझ लें गाड़ी के साथ भी दुश्मनी है और अपने साथ तो बहुत बड़ी दुश्मनी है। इतना गंदा रोड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बच्चे हमारे दो सो गए हैं, जवाद और अक्साम, आदिया जाग रही है। एक धक्का आया पीछे की साइड पर पंप के पास, इतनी जोर से अक्सा मेरी बेचारी सीट से नीचे आते गिरी। तो इस रोड पे आना समझ लें कि अपने साथ भी दुश्मनी है, बच्चों के साथ भी दुश्मनी है, और गाड़ी के साथ तो डबल दुश्मनी है। यकीन करें एक घंटा, जैसा कि मैंने बताया, 1.25 घंटा हो गया हमें मोटरवे से नीचे उतरे हुए। मैं अपने सही बताया था ना, क्योंकि मैं अपने बता रहा था कि जहाँ पीली रोड बता रहा था, तो वो कहता पीली रोड खराब है बहुत ज्यादा। तकरीबन यहाँ से अभी रह गया है जी कोई सफर 7-8 किलोमीटर और भी है इधर इसी रोड पे, वहाँ चल के फिर आपके साथ गपशप करते हैं इंशाल्लाह। ये शुक्र है कि भाई आ गए थे, उनकी गाड़ी वो सामने जा रही है, क्योंकि रात का वक्त है, हमें पता नहीं है ना रास्ते का घर का, तो वो आ गए थे फिर वो लेके जा रहे हैं। नवाज भाई भी साथ में हैं, तसव्वुर भाई के साथ, और शहरी है साथ में। हमारे आगे आगे जो कार थी वो यही थी, हमें लेने के लिए आए हुए थे, और चलते हैं तसव्वुर भाई की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुंच चुके हैं नवाज भाई जो है वो दरवाजा बजा रहे हैं। वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम, एक दफा फिर वेलकम वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तसव्वुर भाई? ठीक है माशाल्लाह। ओह मिल रहा तानू।
मैंने दिसया नहीं है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं और बस पहुंच ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? लेडीज डिस्कस कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों को नहीं देखा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहन, अल्लाह पाक का करम, ठीक ठाक, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं, अभी काफी ज्यादा थके हुए हैं, फिर बैठते हैं थोड़ा गपशप करते हैं। बच्चे ना इधर सर वाले रोड पे ना नीचे सर टूटे बच्चों के। मैंने कहा भाई वो रोड हमारा पता है कैसे है, वो पहले गाड़ी नीचे उतरती है खड्डे में, फिर बाहर फिर ऊपर आती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हम डेली जाते हैं और लास्ट में बताऊं हमारा जवाब गिरा। सच्ची आप लोगों की समझ ले, मैं तो कहता हूँ मैं जो है ना, आप लोगों की हिम्मत है इस रोड पे आना, या गाड़ी के साथ भी दुश्मनी है, खुद के साथ भी दुश्मनी है। बहुत 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिलैक्स फील हो रहा है। क्यों अहमद कह रहे मुंह नहीं धो रहा? मैंने कहा मैं जब लास्ट सीट पैड पे रेस्ट एरिया आया था ना, मैंने वहां मुंह धो लिया था। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान टोपी नहीं लानी, बाकी सब है। असल ते भाई और पता नहीं है, उन्होंने मैंने मोबाइल फड़ाया तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो मैंने बताया था जैसे इनके जो फ्रेंड थे, आपने देखा था स्कूल में गंजे खड़े हुए थे। हाँ मैंने भाई को बताया बस उनको देख लो या अहमद को देख लो, प्लाट एक। इंशाल्लाह किसी दिन स्पेशली उतारेंगे। ठीक है, एक बार स्पेशली उतारी तय किसी सारे नु पता है। अल्हम्दुलिल्लाह रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए बेगम साहब भी, बच्चे भी, और अभी हो रही है कुछ खाने की तैयारी। हाँ जी, तो मिलते हैं आपसे खाने में। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी फाइनली थक हार बैठ के फ्रेश हो के अभी बारी है जी खाना खाने की, और भाभी जो है माशाल्लाह इन्होंने खाना लगा दिया, साथ में सैलेड है और ये मेरे ख्याल में चिकन कोरमा बना हुआ है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये हमारी सकाफत यहाँ पर भी नजर आ गई। ये देखें जी माशाल्लाह, हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन ये तो समझ लें कि ये हमारे इलाके में बनती हैं खजूरों की ये, और अक्सर मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये वाले जो हैं ये दूसरे डिजाइन में होते हैं, बड़े वो दूसरे फूल वगैरह लगे हुए, ऊपर शीशे वगैरह लगे हुए, फैंसी काम फैंसी काम। हाँ माशाल्लाह बेहतरीन है ये भी। एक कह रहा हूँ कि ये चीजें बहुत ही समझ लें कि खूबसूरत लगती हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। खाना खाने बैठता है जब बंदा तो हाँ जी माशाल्लाह। और जी इधर बना हुआ है जी माशाल्लाह जर्दा, और 9:47 आउट ऑफ टाइम खाना है ये हमारा, क्योंकि विलेज में 6 बजे, ज्यादा से ज्यादा 7 बजे बस। चलें जी बिस्मिल्लाह करें आप। हाँ जी हाँ जी, मैं मेरी सीट ये, मैं यहाँ बैठ, भाई जी तुम शुरू करो, तुम शुरू करो। अच्छा राबिया आप भी खाना खा लें, बच्चे भी खा लें। हाँ फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ इंशाल्लाह खाने के बाद। माशाल्लाह खाना हजम करने के लिए। और भाईजान ने पी ली है, मेरा हिस्सा ये रहा। अच्छा तू गैस निकलने का इंतजार कर रहा? हाँ मैं एकदम से थोड़ा सा ये वो हो जाए ना, जो ऊपर जाग होती है वो नीचे चली जाए, बाकी बोतल आ गई सामने। ये कोक है ना? हाँ कोक है। रोटी खा ली भाभी? रोटी खा ली, बोतल पी ली। चले माशाल्लाह, बच्चे देखें कैसे आते ही है, जैसे लगता था कि सदियों के पिछड़े हुए थे। हाँ आज तो समझ लेंगे जी की रिकॉर्ड ही टूट गया, 12:30 और अभी हम लोग जो है ना सोने की कर रहे हैं जी तैयारी, और खाना वाना खाया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से खाना खिलाया है, बहुत खिदमत की है जी, बहुत शुक्रिया भाई का, भाभी का, और माशाल्लाह और बहुत ही माशाल्लाह नाइस बंदे हैं। इंशाल्लाह आप सबसे बिजी होगी हमारी अब अगली वीडियो में मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा,
हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, अल्लाह सोने दे हवाले। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। लाइबा तू भी इस तरह कर, अल्लाह हाफिज। ए भी इधर ही आ गई है, उधर नहीं जा रही। अक्सर नाल सोना ही है, अम्मी नाल सोना ही। अच्छा चले जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान।